नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हो, 15 जुलाई को एक नोटिस जारी किया है NBA ने अपनी ऑफिशियल साइट पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टूडेंट्स, उसमें स्पष्ट मेंशन किया हुआ कि 18 जून को जो आपका एग्जाम हुआ था, 30 जून को उसका रिजल्ट उन्होंने डिस्प्ले कर दिया था और इस बार का रिजल्ट भी अच्छा रहा था, 23 से 24%, काफ़ी ऐतिहासिक रिजल्टों में से एक था। और इसके अलावा जो स्टूडेंट दोस्तों अभी इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हमारी कट ऑफ घटेगी नहीं घटेगी, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा कि दिसंबर में आपका एग्जाम फिर से होने वाला है। आप समय वेस्ट ना करके अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन बनाए रखें, क्योंकि समय बहुत कम है और सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत हार्ड मामला है। दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई पर लगे रहें, क्योंकि आने वाले समय में नेक्स्ट हो जाएगा, जब और भी टफ हो जाएगा। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप अपने टारगेट पर ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों, उस ड्राफ्ट पर बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स के मेल आ रहे हैं जो उनसे ये बोल रहे हैं कि सर, क्वेश्चन पेपर्स हमारे लिए उपलब्ध कराइएगा, इसके अलावा हमारे लिए जो हमारी आंसर की है वो उपलब्ध कराइएगा, इसके अलावा जो एग्ज़ाम हुआ उसका रीचेकिंग या पुनः मूल्यांकन कराइएगा। दोस्तों, और देखो, स्टूडेंट्स का ये मेल करना भी बहुत लाजमी है, क्योंकि जो स्टूडेंट 5, 10, 15, 20 नंबर से रहें और जिनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी उनके पेरेंट्स को और उन स्टूडेंट्सों के, दोस्तों उस दुख का अंदाज़ा केवल वो ही लगा सकते हैं। हम और आप उस दुख तक पहुँच भी नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा दुख होता है, पूरा कैरियर है। और कहीं ना कहीं उन स्टूडेंटों को बड़ी उम्मीद थी इस एग्ज़ाम से, लेकिन उनका दिल और सपना दोनों ही टूट गया। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अब इसके जवाब में NMC वालों ने या फिर NBA वालों ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि एक कोई भी एग्ज़ाम होता है इंडिया में, सबसे पहले उसकी एक बुलेटिन जारी की जाती है। उस बुलेटिन में, और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उस बुलेटिन को पढ़ते भी नहीं है, बस उनको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, कब एग्ज़ाम की डेट है, एग्ज़ाम की फ़ीस क्या है, एग्ज़ाम की लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट क्या है, कहाँ सेंटर आएगा और कितने स्टूडेंट बैठेंगे। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम स्टूडेंट यही लेते हैं, बुलेटिन को बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो उन्होंने कह रखा है कि हमने बुलेटिन जारी की थी, उसमें पहले स्पष्ट कर रखा था 9.7 कुछ ऐसा पैराग्राफ था उसमें कि इस एग्ज़ाम को हम किसी भी तरीके से स्टूडेंट के सामने नहीं रखेंगे, इस एग्ज़ाम की गोपनीयता रखी जाएगी, हम ना ही लिखित रूप में आपको दे सकते हैं, ना ही मौखिक रूप में आपको बता सकते, ना ही किसी यांत्रिक सोशल मीडिया के द्वारा इस एग्ज़ाम को हम आपको दिखा सकते, किसी भी तरीके की कोई भी अपडेट नहीं दी जाएगी, चाहे वो रिजल्ट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो एग्ज़ाम पेपर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो OMR मार्कशीट के रिगार्डिंग हो, आपको किसी भी तरीके की कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन किया है कि हमने उसी बुलेटिन के 5 कुछ पैरा में और 10.2 पैरा में कुछ हमने आपको बता रखा था, आपने नहीं पढ़ा, उसमें भी यही मेंशन था कि एग्ज़ाम को ना ही दोबारा से रीचेक किया जाएगा, ना ही उस पर पुनः विचार किया जाएगा, एक बार जो रिजल्ट जारी कर दिया दैट्स फाइनल। तो दोस्तों, उन्होंने यह कह के अब वो नोटिस और जारी कर दिया कि हमें कहीं ना कहीं परेशान नहीं किया जाए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा स्टूडेंट्स, क्या ये बात सच है कि एक स्टूडेंट जिन्होंने अपने घर पे आके अपने एक टारगेट रखा था कि मेरा 180, 185, 190 स्कोर आई जाएगा, और जैसे उसने रिजल्ट आया 130, 140, तो उसको तो 400 वोल्ट का झटका लगा होगा, तो क्या वो देखना नहीं चाहेगा कि मेरा नंबर कहाँ कटा, मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ और मुझे लग रहा है कुछ। और देखो, इंडिया का ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता, मैंने आपने भी देखा होगा कि उस पर 2-3 क्वेश्चनों में हर बार प्रॉब्लम्स आती है, या वो कोर्ट में जाते हैं, या फिर उन पर स्टे लगता है, या फिर उनके 2 आंसर होते हैं, या फिर कोई भी आंसर नहीं होता है, या बोनस कर दिया जाता है, ऐसे हर एग्जाम में कुछ ना कुछ चलते हैं। क्या FMG का एग्ज़ाम इतना बड़ा हो गया कि इसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, लेकिन अगर उनका बोनस मिल जाए या फिर उनमें 2 ऑप्शन हों, अगर 3-4 नंबर का, तो हर बार फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। तो सोचो, अगर 3 से 4 नंबर स्टूडेंट्स को बोनस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो कितने स्टूडेंट्स डॉक्टर बनते। उन स्टूडेंट्सों को पूछो जिनके 147, 148, 149 नंबर हैं, उनको कैसा महसूस हो रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये इस तरीके की जो ये चल रहा है FMG में, देखो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वहाँ भ्रष्टाचार है या नहीं, लेकिन ये जो इन्होंने बता रखा है ये इसी बात को इंगित करते हैं कि कुछ ना कुछ अंदरूनी चल रहा है। अदरवाइज पेपर बताने में या एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है, एग्ज़ाम की जो OMR है, उसको बताने में प्रॉब्लम्स क्या रही है। अभी नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें लगभग 16 लाख+ स्टूडेंट बैठेंगे, उसमें वो एग्ज़ाम पेपर भी देंगे स्टूडेंट्स को, रिजल्ट भी आएगा, उनकी OMR तक दिखाएंगे, उसके बावजूद जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स है वो मेल कर सकता है, उसकी मेल पर सुनवाई होगी, उसको रिप्लाई आएगा। यहाँ तक आपने जो अपनी OMR में 4 ऑप्शनों से अगर सेकंड भरा है, कंप्यूटर ने सेकंड रीड किया या नहीं किया वो तक आपको दिखाएंगे, ओरिजिनल आंसर की जो आपने वहाँ भर के आया वो डिस्प्ले कर दी जाएगी, आप उससे मिला सकते हो, क्योंकि
इतने स्टूडेंट्स हैं, 0.1% पर भी हजारों स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो जब इतने बड़े एग्ज़ाम जो इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है उसमें जब इन चीज़ों को दिखाया जा रहा है, तो FMG एग्ज़ाम में ऐसा क्या है कि नहीं दिखाया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं बहुत गलत डिसीजन है, और मैं अपनी तरफ से अपनी FMG पूरे परिवार और स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत नाराज़गी व्यक्त करता हूँ इसके ख़िलाफ़ कि ये गलत डिसीजन है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले समय में इस चीज़ को कम करके और दोस्तों पारदर्शिता बनाए रखें, और नेक्स्ट में तो ये होने वाला ही ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपको सब कुछ दिया जाएगा, क्योंकि उस टाइम इंडियन स्टूडेंट बैठेंगे तो इंडियन स्टूडेंटों का प्रेशर बढ़ेगा, बाहर के स्टूडेंटों का बढ़ेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस एग्ज़ाम में भी ऐसा ही कर देना चाहिए, और नेक्स्ट एग्ज़ाम से पहले 3 बार और FMG का एग्ज़ाम होगा तो उन सब में कर देना चाहिए, जिससे कि जो स्टूडेंट्स कम नंबरों से रह रहे हैं उनको एक मौका मिल जाए। और उससे यह भी पता चल जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है कि इस बार कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई बार ऐसा सुनने में आया है कि 2 साल पहले जो गायनों के से एक साथ 26 से 27 28 30 क्वेश्चन तक आ गए थे, जबकि उसका वेटेज बहुत कम बताया जा रहा है। ऐसी कई सब्जेक्ट होती हैं जिससे क्वेश्चन ही नहीं आते, कई सब्जेक्ट ऐसी होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक हर चीज़ का भी एक मेंटेनेंस करके चलना पड़ता है, और जो स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाता, और स्टूडेंट इसके बहुत बहुत ज़्यादा खिलाफ़ है, और मैं भी अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से YouTube फैमिली की तरफ से इस रूल्स का बहिष्कार करता हूं, और अपने लेवल पे जो बनेगा हम करेंगे दोस्तों। और हम सुप्रीम कोर्ट और जितने भी ये केंद्रीय मंत्री, इनसे निवेदन करना चाहेंगे कि किसी भी तरीके से आप इस रूल्स को हटाएँ, और स्टूडेंट के चाहे नंबर कम हो ज़्यादा हो इस बात पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन स्टूडेंट संतुष्ट होना चाहिए। आज के ज़माने में प्रजा संतुष्ट कर सकता है वही राजा अच्छा है, अदरवाइज राजा कितना भी महान हो अगर वो प्रजा को संतुष्ट नहीं कर पा रहा, स्टूडेंट को संतुष्ट नहीं कर पा रहा, तो उसमें राजा बनने के गुण या सत्ता चलाने का गुण नहीं है। दोस्तों मैं आपसे 20 सलाह चाहूँगा, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और आने वाले वीडियो में मैं आपके विचार पढ़ के मैं अपने विचार भी उसमें इंक्लूड करके लोगों के सामने प्रस्तुत रखेंगे। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।